सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि सत्संग जो है, बैठ जाओ, मैं पीछे के जो पुरुष लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, सत्संग जो है किसके लिए होता है? महिलाओं के लिए? सबके लिए होता है। पुरुषों की सत्संग नहीं होता? पुरुष केवल पैसा कमाने के लिए बस? पत्नियां यदि मतलब सत्संग करके सुधर के यदि भगवान के धाम तो चली जाएंगी, पति लोग क्या करेंगे? पीछे से बैठे रहेंगे? सत्संग तो पुरुषों के लिए भी है, पुरुषों के लिए है विशेष कर। आगे ठीक है, बोलो महाराज की जय। सब लोग जाओ, थोड़ा सब उठ जाओ। सब लोग बैठो। हरे कृष्णा। बस सेट हुआ था, सब कुछ बाकी ठीक है। हरे कृष्णा। हम लोग ये सुन रहे थे, मैं कह रहा था ये सत्संग केवल ये महिलाओं का नहीं है भाई, इसमें पुरुषों का भी है। बड़े मुश्किल से लेके आए थे सब लोगों को, मैदान में फिर बांट गए सब। तो सत्संग जो है ये सबके लिए है, केवल महिलाओं का सत्संग नहीं है, ठीक है ना? तो सब जो भी पुरुष लोग सब आके बैठो, महाराज जी कृपा करके
आपके यहाँ पधारे हैं तो सब लोग सामने पहुंचो और सब लोग बैठो यहाँ पर, ठीक है। हम लोग सुन रहे थे कि राम राज्य क्या है, ये हमारे अनिरुद्ध प्रभु जी से हम लोग सुन रहे थे कि राम राज्य क्या है। ओ पीछे वाले बातें ना करो, हम लोग सुन रहे थे कि राम राज्य क्या है, तो केवल मंदिर बन जाने से राम राज्य नहीं बन जाएगा ये कह रहे थे। जब तक हमारा चरित्र जो है, जैसे सीता जैसी, पति जो है राम जैसे, बच्चे जो है लवकुश जैसे, भरत जैसे भाई, ऐसे ऐसे चरित्र नहीं होंगे तब तक राम राज्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, हम लोग कहते तो हैं हम क्या है हिंदू है नहीं, किंतु यदि एक साधारण सा पूछो कि क्या हमें गीता पता है या नाम भी सुना है, ज्यादातर तो नाम भी नहीं सुने हो, ये भी नहीं पता है कि हमारा ये गीता नामक शास्त्र भी है, गीता में जी कृष्ण ने कुछ बोला भी है, ये भी हमें पता नहीं होगा, तो हम लोगों की ये स्थिति है। कभी हमारे देश में मुसलमानों का इतना प्रकोप है, इतना ज्यादा कुछ हो रहा है, हम बस सब ठीक सब ठीक, देवी देवताओं का गालियां बक रहे और सब ठीक सब ठीक, बकने को क्या जाता, हमारी देवता थोड़ी ना बक रहा। तो इस प्रकार से क्या है कि हमें ही नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, हम सब मजे में फिर बैठे हुए हैं, खाने पीने लड़ने से हमारा फुर्सती नहीं, तो बाकी चीजों के बारे में सोचने तो फिर मतलब समय कहां पर। तो इसलिए हमें तो यही नहीं पता है कि हम किस बात के हिंदू हैं, ना हमें कोई शास्त्र पता है, ना साधुओं का संग किया है, ना ही चरित्र ठीक है, ना ही हमें बड़ों का सम्मान साधुओं का सम्मान करना हमने सीखा है, ना सेवा करनी सीखी है, बस केवल खाने पीने कमाने तक ही हम सारे के सारे सीमित रह गए हैं, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, हमें कम से कम एक मनुष्य बनना है, एक हिंदू भी हमें यदि बनना है, कम से कम आप सब लोगों से निवेदन है कि गीता भागवत या रामायण जो है कम से कम आप लोग पढ़े सुने समझे चीजों को क्या है, और जीवन को वैसे ही फिर बनाने की चेष्टा करें। साधु संग के बिना ये चीज संभव पर नहीं है, श्री रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने बोला है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। सत्संग के बिना हमारी बुद्धि सुधर नहीं सकती है, तभी लोग डर के भाग जाते हैं, क्योंकि उनको डर है कहीं खाने पीने का रोक देंगे हम, सच बात है कि महाराज जी कहीं बोल देंगे कि तू क्यों खाता कान लगो तू क्यों पीता है, इसलिए डर के भाग जाते हैं साइड है ना, क्योंकि बिना सत्संग के भाई बुद्धि सुधर नहीं सकती है, ठीक है ना, और बिना सत्संग के स्त्रियों को सम्मान देना सीख नहीं सकता है, वो बस पीके आएगा पत्नी को पीटेगा मारेगा, जिंदपुरा में है ना ज्यादा है ना ये चीज। मैं तभी बार बार इनको रोक रोक के बुला रहा था ताकि सुनते सुने, पत्नियों का सम्मान करना सीखे, भाई राम राज्य बाहर होगा कि घर में क्या होगा, रावण राज्य होगा, तो चलेगा तो चल नहीं सकता है। तो इसलिए बिना बैठे बुद्धि बुद्धि जो है सुधर नहीं सकता है, तब तक दूसरों का सम्मान देना, माता पिता का सम्मान देना, ये वृद्धाश्रम की कर रहे थे बात की पीछे वृद्धाश्रम क्यों है, क्योंकि माता पिता का सम्मान करना सीखा नहीं, जैसे ही बहू आई, जैसे ही बहू आई घर हो गया दो बार, क्योंकि लड़की की माँ ही सिखाती है, अरे सास ना दुखता है बेकार है लड़ती है भगा दो उसको, तो बस माँ ही सिखाती है ऐसी ऐसी चीजें, तो माँ ही संस्कार इस प्रकार से देगी तो क्या होगा फिर उसके पास, है ना। तो इसलिए पीछे वृद्धाश्रम, यदि वृद्धाश्रम में नहीं जाना चाहते हो, अच्छा माँ को भेज दोगे ना, कल को क्या होगा आपके ही बच्चे फिर दोबारा आपको ही भेजेंगे, तब आप पूछोगे क्यों भेज रहे हो, तब वो कहेंगे कि आपने भी तो भेजा था, है ना,
तो इसलिए वो भी आपसे ही सीखेंगे सारी की सारी चीजें। शाहजहां के साथ सुना होगा फिर आप लोगों ने, औरंगजेब ने शाहजहां को सताया, बच्चे ने बेटे ने बाप को सताया, तो शाहजहां ने बोला बेटा पिता की सेवा करो, तो बेटे ने कहा औरंगजेब ने कि पिताजी जैसा मतलब जिस प्रकार से आपने भी जो आपके पिताजी है जहांगीर की सेवा किया था वैसे ही ना, क्योंकि शाहजहां ने भी क्या किया था, पिताजी को सताया था। तो बच्चे हम कहां से सीखते हैं, हम लोगों से सीखते हैं। तो इसलिए ये संस्कार ये सब चीज कहां से आएगा, ये साधु संघ के बिना ये विचार हमारे मन में नहीं हो सकता। बदलाव जीवन में बदलाव साधु संघ के बिना कभी संभवपन नहीं है। तो इसलिए बड़े सौभाग्य से श्री गुरुदेव के शताब्दी साल के बहाने श्री महाराज श्री और हमारे श्री गुरुदेव के परम प्रिय सेवक श्री ब्रज कृष्ण प्रभु और जो वैष्णव लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर बता रहे हैं। ये आप लोगों का सौभाग्य है, जुंदपुरा वालों का सौभाग्य है, ऋषि जी जीत जी चाचा जी तरह तरह के लोग हैं सब, ये आप लोगों का सौभाग्य है। ठीक है, तो ये मतलब ये सुयोग को आप सभी लोग लाभ इसका उठाए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गुरुराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जोर से जय जय श्री राधे। पता नहीं भूख लग गया सब। हरे कृष्ण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे। एक मिनट ठाकुर का नाम कीर्तन कर लो। घर का मालिक कौन है? घर के मालिक प्रभु जी इधर आ जाओ। घर के मालिक आप पीछे बैठने पर कहीं काम कर लिया। आ जाओ इधर आ जाओ। दो मिनट की तरह आपको बच्चे भी कोई है? बेटा कौन है? बेटा नहीं आप ये कितना दिन हो गया घर तुम? डेढ़ दो साल। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। देखो इन्होंने संतों को रुकाने के लिए हमारे जीत प्रभु जो बोले कुछ हमारे भक्त लोग गुरु जी लोग आ रहे हैं इनके लिए रुकाने के लिए कुछ व्यवस्था हो, इन्होंने एकदम दिल खोल करके बोलते कोई बात नहीं हमारे घर में संत लोग रुकेंगे। ऐसे हृदय मिलना तो बड़ा कठिन है। हमारे घर में संत लोग रुके, देखो इसका फल स्वरूप देखो यहाँ पर सब संत लोग वृंदावन से आए, घर में भगवान का कीर्तन कथा हो रही है। जिस दिन घर में संत लोग आ जाए, घर में कीर्तन कथा हो, कदो घर घर नहीं रह गया, वो तो साक्षात भगवान का गोलोक वृंदावन बन गया। क्या बन गया? गोलोक वृंदावन बन गया। साधारण लेकिन संतों को कौन घर में बुला दिया? बड़े भाग्यवान व्यक्ति घर में संतों को बुलाते हैं, बड़े भाग्य से घर में संत लोगों का आगमन होता है। इसलिए भैया बड़े भाग्यवान हैं जो कि बोले नहीं हमारे घर में हमने सुना जीत प्रभु बोल रहे थे, बड़े दुखी हो रहे थे। क्यों बोल रहे थे? संत लोग कहेंगे कि आ ही नहीं क्यों? मैंने कहा देखो इनका हृदय कितना बहुत बड़ा है, हृदय इनकी कितना विशाल है। और बोले नहीं आज हमारे घर में सत्संग होगा, हरि कीर्तन होगी। देखो एक समय जहाँ पर भगवत कथा हो, भागवत कहता है बोले सर्वाणि तीर्थानि बसंती तथा जथा चुतादर कथा प्रसंग। इसका मतलब है जिस घर में भगवान की कथा और सत्संग हो जाए, कहते पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर आ जाते हैं। बोले पृथ्वी में कितने तीर्थ है? बोले 6 अरब। 1 अरब कितना होता है? 100 करोड़। और 6 अरब मतलब 600 करोड़ तीर्थ घर में गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री, पृथ्वी का जितना तीर्थ है ना उसी घर में उसी दिन आ जाते हैं जिस दिन घर में संतों की चरण धूलि पड़े और जिस दिन घर में भगवान की कथा हो।
बड़े भाग्य से संत लोग आते हैं, बड़े भाग्य से संत लोग आते हैं। देखो एक समय जैसे यहाँ सत्संग हो रही थी, कहीं ऐसे सत्संग हो रही थी, वहां पर एक संत बड़े भावुक थे। अभी सत्संग सुनते सुनते उनका मन इतने डूब गया सत्संग में, जब कथा की विश्राम हो गई सबके संत चले गए, लेकिन वो संत वहीं पर बैठे रह गए। जब उनकी आंख खोली उन्होंने एक आश्चर्य घटना देखा। बोले क्या देखा? बोले एक काला घोड़ा कहीं से भागते भागते आया और जहाँ कथा हो रही थी ना, सत्संग हो रही थी, वहीं पर लौटपोट खाने लग गए। और जितने लौटपोट खा रहे थे उनका शरीर तो सोने जैसे चमचमा रहा था, एकदम सोने बन गए। वो संत ने देखा, भैया ये घोड़ा कोई साधारण घोड़ा है ही नहीं। तब उसने हाथ जोड़ करके पूछे, भैया आप कौन हो? बोले मैं स्वयं तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग, प्रयाग नाम सुनेगी नहीं, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों जहाँ मिले हुए हैं। बोले मैं तीर्थराज प्रयाग। बोले आप तो पहले एकदम काले दिख रहे थे, पर यहाँ लौटपोट खाते खाते ये सोने कैसे बन गए? बोले जितने सब पापी आकर के प्रयाग में स्नान करते हैं, स्नान करके सारे पाप को वहीं छोड़ जाते हैं। फिर मैं ढूंढता रहता हूँ ये सत्संग कहाँ हो रही है, फिर वहां पर जाकर जब लौटपोट खाता हूँ मेरे शरीर का जितने सारे पाप वहीं धुल जाते हैं, फिर मैं पवित्र बन करके पापियों का पाप को ग्रहण करता हूँ। इसलिए तात्पर्य जहाँ पर भगवत कथा सत्संग हो कहते वो स्थान अत्यंत अत्यंत पवित्र हो जाती है, अत्यंत पवित्र हो जाती है। कहते ये सत्संग की इतने महिमा, इतने महिमा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले स्वर्गीय सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस। कहते परीक्षित ये जो सत्संग है ये स्वर्ग में भी देवता को भी नहीं मिलता है। आप भागवत कथा सुने होंगे, जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे, 33 करोड़ देवता स्वर्ग से उतर करके आए, अमृत कलश लेकर, बोले लो ये पूरा अमृत कलश ले लो, परीक्षित महाराज को पिला दो अमर हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा ये सत्संग हमें कथा सुना दो। भगा दिया देवता को, बोले कथा नहीं सुन सकता हो, बड़े तुम लोग भोगी हो, मतलब ही हो, भगा दिया स्वर्गों को है। लेकिन स्वर्ग की बात छोड़ो, कहते उसको ऊपर 7 लोक ऊपर में ब्रह्म लोक है जहाँ पर पितामह ब्रह्मा जी रहते हैं। अगर कथा कहीं हो रही ना, सत्संग कथा हो रही है, ब्रह्मा भी ब्रह्म लोक से अपना पत्नी को लेकर के भाग भाग करके ब्रह्मा जी हैं, बोले कथा हेतु विधि भवन बिहाई सुनी बत सारद आवत धाई। ब्रह्मा जी अकेले नहीं अपना पत्नी को लेकर के आते हैं। किसको लेकर के आते हैं? पत्नी को। बोलते जल्दी जल्दी तैयार हो, चलो सत्संग हो रही है, चलो हम सत्संग सुनने के लिए जाएंगे। बोले कहाँ से? बोले ब्रह्म लोक से, करोड़ों मील दूर से। कहते ब्रह्म लोक की बात छोड़ दो, बड़े से कैलाश ये नास्ते अमरस, ये कैलाश में भी ये रस नहीं। बड़े कैलाश की बात छोड़ दो, बोले वैकुंठ है, जहाँ वैकुंठ वहां पर भी ये कथा नहीं। आप लोग हनुमान का नाम सुने हो? कौन कौन जानते हो? हाथ उठाओ तो हनुमान का नाम कौन सुनो? आप लोग रामायण सुने होंगे, जब भगवान राम अयोध्या छोड़ करके अपना धाम में जा रहे थे, देखा सबके सब तैयारी बैठे लेकिन हनुमान जी नहीं दिखे। भगवान ने देखा, हनुमान तो कहते ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, भक्ति मिले ना मान के बिना, भक्ति मिले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। भगवान राम देखे जी हनुमान, मेरे को कभी छोड़ करके रहता नहीं हनुमान, हनुमान दिख नहीं रहे। बोले भाई हनुमान को ढूंढो, हनुमान जी का ढूंढते ढूंढते देखा घर की एक कोने में बैठे करके, रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता, प्रभु का नाम जप कर रहे थे। भगवान ने पूछे, हनुमान जी अभी मैं तो जा रहा हूँ मर्त्य जगत छोड़ करके अपना वैकुंठ में जाना, तुम नहीं जाओगे? देखो हनुमान जी क्या कहते हैं। बोले प्रभु वहां क्या तुम्हारी कथा मिलेगी? वहां क्या तुम्हारी कथा मिलेगी?
भगवान ने कहा जब मैं स्वयं हूँ फिर ये कथा की क्या जरूरत है। देख हनुमान जी क्या कहते, बोले प्रभु आप जहाँ पर हो वहाँ हो सकता है तुम्हारी कथा नहीं हो, लेकिन जहाँ तुम्हारी कथा हो वहाँ 100% आप वहीं पर होते हो। इतनी कथा की महत्व, इसलिए स्वर्ग वैकुंठ छोड़कर के गरुड़ स्वयं वैकुंठ छोड़कर सब हनुमान स्वयं क्या कहते हैं, बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम। आप लोग राम कथा कहीं होता होगा देखे होंगे, सबसे पहले हनुमान का तस्वीर लगता है, क्योंकि राम कथा की सबसे बड़े रसिया श्री हनुमतलाल हैं। इतने महिमा और प्रभु जी घर में सत्संग हरि कथा और ये समझो ये घर क्या बन गया, बोलो बोलो घर क्या बन गया, जोर से बोलो। क्या नाम आपका? विजयपाल। बोले विजयपाल प्रभु की, उनकी परिवार की, क्योंकि घर में संतों को बुलाया, घर में हरि चर्चा हरि कीर्तन हो रही, इससे बड़ा बात जगत में कुछ हो ही नहीं सकता है। जब घर में सत्संग हो जाए ना फिर क्या होता है, बच्चों का सबका मन परिवर्तन हो जाता है। कहते ना बिनो सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनो सुलभ ना सोई। जब तक ठाकुर का कृपा नहीं हो तब तक जीवन में ये सत्संग नहीं मिलती है, लेकिन जब जीवन में सत्संग मिल जाए ना फिर क्या समझो, क्या समझो। जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए कहाँ पर पहुंचे, लंका में पहुंचे, वो सोच रहे थे भैया लंका में कहाँ पर उतर, तो कहाँ उतर, हठात देखा है कि तुलसी की बगीचा। बोले लंका रावण जहाँ रहता है तुलसी का पेड़ कैसे, तुलसी पेड़ तो किसी भक्तों को घर में तुलसी का पेड़ होता है। इसका मतलब क्या, हर घर में तुलसी पौधा रखनी चाहिए। किस किस घर में तुलसी पौधा है, हाथ उठाओ। अरे बाबा रे सचमुच से तुम गुजर ही हो, कृष्ण गुजर है ना, गुजर कहता है गुजरिया खोल खिवरिया तेरे घर में आया हो। सचमुच से गुजरी कौन है, सब गोपियां, गोपियों को सब कहती, क्या कहती गोपियों को, गुजरी कहती है। सचमुच से आप कोशिश करो, आप लोग सबसे मुझसे गोपी मतलब क्या है, गो मतलब होता है इंद्रियां और पी मतलब पीना, जो नित्य निरंतर इंद्रियों को द्वारा कृष्ण भक्ति रस को जो पान करती हैं, ये कौन है, ये गोपी। सचमुच से मैं तो ज्यादा मेरी जो प्रचार है ना, ज्यादा करके मेरी जो प्रचार है।